अपनी फिटनेस को लेकर लोग हमेशा चिंता में रहते हैं। लोग हर वह कोशिश करते हैं जिससे वह हमेशा फिट और हेल्थी दिखे। फिटनेस को सिर्फ अंदरूनी ताकत ही नहीं पर्सनैलिटी के लिए भी बेहद जरूरी माना जाता है। अच्छे फिजिक वाले लोग पर हर कपड़े अच्छे लगते हैं और उन्हें इससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है। लोगों को अपनी फिटनेस पर काम करने की सबसे अच्छी जगह जिम जाना लगता है और फिर अच्छे जिम की खोज शुरू हो जाती है। आज हम आपको ऐसे ही फिटनेस क्लब के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आजकल हर कोई डाइट और फिटनेस को लेकर कॉन्शियस रहता है। हम सबको पता है कि और इसे फॉलो करने के लिए या बॉडी टोन के लिए या बॉडी फिटनेस के लिए हम देखते हैं कि हर कोई जिम का सहारा लेता है। और आज हम ऐसे ही एक फिटनेस क्लब में आए हैं और आपको मिलवाएंगे फिटनेस क्लब के जो ओनर हैं उनसे। और ये जो फिटनेस क्लब है, प्रणाल फिटनेस क्लब के नाम से ये जाना जाता है। और इसकी क्या खासियत है ये मैं आपको अंदर जाके बताऊंगी, क्योंकि ये हमने जिम ये तो सबने सुना है, जिम हर कोई जाता है और नागपुर शहर में कई तरह के कई अविविध जिम्स है, लेकिन जिम है, फिटनेस क्लब्स है, वहाँ हर एक्टिविटीज होती है। लेकिन प्रणाल्स फिटनेस क्लब क्यों अनोखा है? ये उत्तर नागपुर में है, उत्तर नागपुर के जरीपटका परिसर में ये जो है प्रणाल्स फिटनेस क्लब के नाम से यहाँ स्थित है। और यहाँ पे जो है कई दूर दूर से जो है अपनी बॉडी को टोन करने या फिटनेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ बहुत लोग आते हैं। हम अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ की क्या खासियत है। फिटनेस पर काम करने की सबसे अच्छी जगह जिम जाना लगता है। कई लोग इस जुनून के चक्कर में खुद के शरीर को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। अच्छी बॉडी के लिए लोग जरूरत से ज्यादा मेहनत और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली डाइट तक लेते हैं, लेकिन ऐसा करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए प्रणाल फिटनेस क्लब में आपको जिम और एक्सरसाइज करने के सही तरीकों के बारे में बताया जाता है, जिससे आप बिना किसी तकलीफ के फिट रह सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ जो है कई लोग जो है यहाँ जो है यूथ जो है हमें एक्टिविटी जो उनकी जो भी फिटनेस से जुड़ी वो करते दिखाई दे रहे हैं। एक्सरसाइज जो है हमारे साथ यहाँ के जो ट्रेनर हैं हम उनसे जानते हैं कि ये जो एक्सरसाइज शुरू है ये किस लिए शुरू है, क्या बताओगे प्रणाल फिटनेस क्लब की क्या खासियत है? क्योंकि ये उत्तर नागपुर का एक मेव ऐसा फिटनेस क्लब है जहाँ कई तरह की सुविधाएँ जो है यहाँ आने वाले जो लोग हैं उनको दी जाती है। क्या बताओगे आप, आपका नाम बताइए। मेरा नाम तो धीरज मल्ल है। और जो अपन अभी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज चेस्ट के लिए करते हैं, जो बिगनर है जिसे फ्लोर पे की नहीं जा सकती, इसलिए हम यहीं पे करवाते हैं इसको कि वो अच्छे से कर पाए, उसका फॉर्म अच्छे से बन पाए। जब वो फ्लोर पे कर पाएगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी आ पाएगी। और प्रणाल फिटनेस क्लब में बोले तो यहाँ पे हम वेट लॉस करवाते हैं, जो अच्छे से करवाते हैं, और वेट लॉस डाइट भी हम उनसे करवाते हैं ताकि वो वेट लॉस हो सके, तभी से हमारे रिजल्ट वहाँ पे दिख रहे हैं। बस बाकी कुछ थैंक यू। देखा जाता है कि जिम में कई लोग बिना ट्रेनर के ही एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन याद रखें कि एक गलत एक्सरसाइज आपकी बॉडी को गलत शेप दे सकती है, इसलिए किसी अनुभवी ट्रेनर की देखरेख में ही एक्सरसाइज करें। इसका खास ध्यान प्रणाल फिटनेस क्लब की ओर से रखा गया है। यह वर्कआउट करने आए हुए लोगों से बात की है और जाना कि क्यों वे प्रणाल फिटनेस क्लब आना पसंद करते हैं। यहाँ जो फिटनेस क्लब में जो है प्रणाल फिटनेस क्लब में जो फिटनेस के लिए आए हैं हम उनसे जानते हैं कि क्या बताओगे प्रणाल फिटनेस क्लब में आप कब से आ रहे हो, किस तरह की एक्सरसाइज आप कर रहे हो और क्या आपको यहाँ से फ़ायदा मिला? मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है यहाँ पे आए हुए और यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ। और सर के बारे में क्या करूँ, सर की कोचिंग बहुत अच्छी है एंड एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं हमेशा। अगर कहना चाहूँ तो फिर पूरा सपोर्ट रहता है सर की तरफ से, सर के स्टाफ की तरफ से, प्लस यहाँ जो क्या बोलते हैं फीस है, फीस इज ऑल्सो अफोर्डेबल, सारी आपको नेसेसिटी अवेलेबल हो जाती है, जो भी आपको सामान चाहिए रहता है एक प्रॉपर जिम में जो लगता है, चाहे वो क्रॉसफिट के लिए लगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए लगे, इवन योगा के सेशंस लेते हैं सर, सबको लेते हैं, ऐसा नहीं जो योगा के लिए ऑप्ट कर रहा है उसके लिए, जितने लोग वहाँ तब जिम में रहते हैं सबको योगा के लिए कहा जाता है ताकि उनके अच्छे के लिए रहे। और सर पहले समझते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और अपना समझते हैं बुरा, कि तेरे लिए ये सही है, तेरे को ये करना ही करना है, तो पूरा अपनी वाली
फील है. प्लस एज आई सेड कि मनी मैटर्स अ लॉट आज के ज़माने में. तो जो पैसे के हिसाब से जो सर हमको नेसेसिटीज़ दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है और मुझे नहीं लगता नागपुर में कहीं मिलती है. हाँ, आप उत्तर नागपुर के ही रहीवासी हो, क्या बताओगे उत्तर नागपुर में आप बचपन से जो है यहाँ बड़े हुए हो, फिटनेस क्लब के लिए आपने प्रणाल फिटनेस क्लब को ही क्यों चुना? पहले तो दोस्त लोग जाते थे तो सबका एक ट्रस्ट था पहले से ही. प्लस जो सर डील ले रहे थे उसके हिसाब से पहले लग रहा था कि इतने कम में कैसे कोई इतनी सारी दे सकता है फैसिलिटीज़. पर फिर जब मैंने ट्राई किया और मैंने सीधा एक साल की मेम्बरशिप ली कि करके देखेंगे अपन खुद कर लेंगे खुद करें. पर इट वॉज ऑल वर्थ इट. और अभी फिर यहीं पर कंटिन्यू करना है आगे भी. मेरा नाम आची कृपलानी है. मैं यहाँ पे 1 ईयर से आ रही हूँ और मुझे ये एनवायरनमेंट और यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. मेरा अभी मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा हुआ है. मेरे पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं यहाँ पे और सब कुछ भी बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट. मैंने मेरा वेट ऐसे ज़्यादा नहीं था पहले से ही तो मुझे मेरा 5 किलो ही लॉस हुआ है पर मेरे पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. मेरा नाम तानिया कृपलानी है. मैं यहाँ पिछले 2 साल से आ रही हूँ, मतलब सर की पुरानी वाली ब्रांच से, सदर वाली ब्रांच से हूँ. मैंने यहाँ पे टोटल 30 kgs लॉस किया है. मतलब स्टार्टेड फ्रॉम 85 kgs, आई केम टू 70 kgs, देन आई गेन 4 kgs, 74 से 55 kgs हुआ है. बहुत ही बेनिफिशियल है. मतलब मुझे रिजल्ट्स कहीं देखने नहीं मिले और ऐसे ट्रेनर कहीं देखने नहीं मिले. इनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और बिना किसी सप्लीमेंट के हर चीज़ बहुत ही परफेक्टली कराते हैं. बहुत ही अच्छा. सबसे बेस्ट मेरा तो 1 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया और मेरा टोटल 1 साल में 20 kg वेट लूज़ हुआ है. और सर इतने मोटिवेट करते हैं हम लोग को. मतलब यहाँ ये नागपुर का बेस्ट जिम है, यहाँ के वेट लूज़ होना ही होना रहता है. अब बात करें प्रणाल फिटनेस क्लब के ओनर प्रणाल सीताराम लांचीवार की, तो आपको बता दें कि 2009-10 कामकाज श्री टाइटल विनर, 2011-12 वेस्टर्न इंडिया ब्रॉन्ज मेडल, 2013-14 विदर्भ श्री रनर अप, 2018-19 विदर्भ श्री गोल्ड मेके श्री, 2019 टाइटल, 2019 एविस क्लासिक रनर अप, 2019 बेस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर ऑफ द ईयर, 2019 चैंपियन ऑफ चैंपियन अशोका श्री, श्री छत्रपति विदर्भ जैसे कई किताब अपने नाम किए हैं. हमारी टीम ने खास बातचीत की है प्रणाल लांचीवार से. तब प्रणाल ने कई खास बातें साझा की जिसमें उन्होंने बताया कि जिम के साथ साथ डाइट लेना बेहद जरूरी है. इसका खास ध्यान प्रणाल फिटनेस क्लब की ओर से रखा जाता है जहां नेचुरल चीजों का सहारा ले जाता है. अपने थके हुए शरीर को वापस एनर्जी देने के लिए फ्रूट्स ले सकते हैं. इसके अलावा प्रोटीन युक्त नेचुरल चीजें लेना जरूरी है जिसमें आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है और वे ब्रेक होती है. इन्हें पोषण देने के लिए प्रोटीन जरूरी होता है. तो जैसे कि हमने देखा कि उत्तर नागपुर के प्रणाल फिटनेस क्लब में किस तरह की सुविधाएं यहाँ है, कितने लोग यहाँ जो है अपने फिटनेस को लेके, अपने बॉडी को लेके जो है यहाँ एक्सरसाइज करते हमने देखे और कई तरह की यहाँ मशीनरीज उनके लिए भी अवेलेबल है. और उत्तर नागपुर का एक नंबर 1 का ये जो है फिटनेस क्लब है और उसके जो ओनर है प्रणाल, उनसे हम जानेंगे कि सर हमने जिम तो बहुत देखे हैं, हर कोई नागपुर में बहुत सारी जिम है, बहुत सारी एक्सरसाइज वर्कआउट वहाँ होते हैं, लेकिन प्रणाल फिटनेस क्लब का ये नाम जो है यूथ में हो या लेडीज में हो बहुत पॉपुलर है, क्यों है और क्या खासियत है आपके फिटनेस क्लब की, क्या बताओगे? मैम इसकी खासियत ये है कि हम लोग सप्लीमेंट प्रोवाइड नहीं करते, किसी भी किस्म का कोई भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट प्रोवाइड नहीं करते और सेल नहीं करते और ना रिकमेंड करते किसी भी क्लाइंट को. हम फुल ऑफ नेचुरल फूड जो हमारे घर पे बनता है उस पर हम काम करते हैं और वही हम सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को. तो क्लाइंटों को पसंद भी आता है और क्लाइंट सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं, यहाँ जाने के बाद हमको आर्टिफिशियल चीज़ें लेने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया जाता. और जो भी डाइट सर देते हैं या ट्रेनर्स देते हैं वो घर का नेचुरल डाइट होता है. तो मे बी इसीलिए और यहाँ पर जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो सुबह से अपने कार्य पर कार्यरत रहते हैं, ऑन फ्लोर रहते हैं और कंटिन्यू काम करते रहते हैं और प्रॉपर ध्यान देते हैं क्लाइंटल पर. इसलिए शायद मे बी हो सकता है ये कारण होगा कि प्रणल्स को मतलब हर कोई आजकल जानने लगा है पूरे नागपुर शहर में.
उत्तर नागपुर ये जो परिसर है, हमें पता है कि थोड़ा नागपुर शहर से, सिटी से जो है थोड़ा बाहर का है, लेकिन इतना डेवलप हो चुका है और वहाँ रनाल्स फिटनेस क्लब की ओर से ये जो सुविधा उत्तर नागपुर वासियों को दी जा रही है, लेकिन उत्तर नागपुर ही नहीं पूरे नागपुर शहर से या आजू बाजू से भी, जैसे कामठी कन्हान से भी लोग यहाँ आते हैं हमने देखा है। तो क्या मतलब किस तरह से आपकी ओर से उनको एक सुविधा दी जाती है, किस तरह से यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि हमने देखा आप खुद एक मतलब बॉडी बिल्डर हो, चैंपियन भी हो आप, क्योंकि आपने बहुत सारे मेडल जीते हैं, तो यहाँ और भी मतलब उस तरह के लोग आते हैं जिन्हें आप ट्रेनिंग देते हो, तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? मैम जो दूर दराज से लोग आते हैं उनका बिलीव है एक तो पहली बात, और ट्रेनिंग जो भी हम प्रोवाइड करते हैं उसमें रिजल्ट है, हम हर दिन रिजल्ट देते हैं क्लाइंट को, और क्लाइंट उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड है तो वो आने के लिए रेडी है दूर दूर से, मेन बात ये है, बस इसलिए शायद वो आते हैं दूर दराज से, मतलब क्योंकि रिजल्ट इज़ मैटर, ट्रेनर इज मैटर, जिम इज़ नॉट मैटर, मैटर इज़ रिजल्ट, रिजल्ट इज़ मैटर। बात तो सही कही कि रिजल्ट मैटर करता है। आपने कहा कि आपकी एक खासियत है कि आप सप्लीमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, नेचुरल फूड से जो सप्लीमेंट या जो भी उनके चाहिए वो आप उस तरह का डाइट उन्हें फॉलो करने को बोलते हैं, इसके अलावा मशीनरीज की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो या वर्कआउट की बात हो, तो क्या खास ऐसा वर्कआउट आपकी ओर से अलग टिप दी जाती है, क्या बता दें? मैम वर्कआउट में हम लोग फंक्शनल किक बॉक्सिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड पर्सनल ट्रेनिंग और सारी चीज़ों का मतलब यू नो कॉम्बो बनाकर मतलब यू नो क्लाइंटल को करवाते हैं, और हर दिन अलग अलग नया नया वर्कआउट उनसे हम लोग लेते हैं करवा के, और इंजरी के चांसेस जीरो जीरो हो इस पर हम सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं कि किसको इंजरी नहीं होना चाहिए। सबसे मेन हमारा मोटो होता है कि हमारे जिम में आने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनमें वर्कआउट ऐसा हो कि मतलब इंजरी का पार्ट ना बने, तो हम लोग खासकर उस पर बहुत ध्यान देते हैं। बॉडी टोनिंग के लिए यहाँ लोग आते होंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं कि वेट लॉस, ये जो है हर चौथे इंसान में देखा जाता है कि वेट लॉस करना है, जिम जाना है, तो इसके लिए आप हमारे माध्यम से दर्शकों को क्या बताना चाहोगे, क्योंकि बहुत लोगों में कन्फ्यूजन भी होता है कि हमने अगर जिम छोड़ दिए, जिम के बाद हमारा अगर वेट लॉस हो गया है, उसके बाद जिम छोड़ देते हैं, घर पर थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन वेट जो है डबल ट्रिपल से बढ़ जाता है, तो इसमें क्या बताना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि वेट लॉस होने के बाद में, जिम छोड़ने के बाद में, पहली बात तो मेरा कहना यह है कि जिम नहीं छोड़ना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिम बिल्कुल कुछ ना कुछ वर्कआउट एक्टिविटी करते रहना चाहिए, अगर ठीक है अगर नहीं जमता है वर्कआउट करना तो कोई और स्पोर्ट्स करें, कोई और खेल, कोई और चीज़ खेले, वॉलीबॉल खेले, क्रिकेट खेले, बास्केटबॉल खेले, बैडमिंटन खेले, स्विमिंग करे, कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स खेले जिससे आपकी एक्टिविटी, बॉडी को एक्टिव रहने के लिए एक्टिविटी का सोर्स बन जाता है। और दूसरा रही बात लोगों का जो मानना है कि जिम छोड़ने के बाद वेट बढ़ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो अपने खान पान पर ध्यान दे, जिम छोड़ने के बाद अगर वो अपने खान पान पर ध्यान दे तो मेरे ख्याल से उनका वेट नहीं बढ़ेगा, उल्टा उनका वेट कम होगा और बॉडी टोन रहेगा, क्योंकि वो जिम छोड़ने के बावजूद अपने संतुलित आहार पर प्रॉपर अगर ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल भी ना। लेकिन लोगों को मैंने देखा है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, बट लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, हो ही जाता है ओकेजनली, और त्यौहार का सीन है, सिनारियो रहता है, तो लोग खुशहाली में भूल जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की और मेहनत करके यहाँ तक अचीवमेंट लिया है, और उसको जाया ना जाने दिया जाए, लेकिन क्या है बींग ह्यूमन कहते हैं, है ना, तो वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और मेरा कहना इतना ही है कि किसी ना किसी माध्यम से अपने आप को फिट रखने के लिए कोई ना कोई एक एक्टिविटी होनी चाहिए, फिर वो जिम रहे या कोई और स्पोर्ट्स रहे। हमने यहाँ जो मतलब आए हैं, यूथ आए हैं, उनसे ये भी जाना कि आप योगा को भी उतना ही मतलब प्रिपेरेंस देते हो, योगा भी उनसे करवा लेते हो, तो योगा का सेशन किस तरह से लेते हो, मतलब यहाँ जो है वर्कआउट होता है योगा, किस तरह से आपने ये शेड्यूलिंग बनाया? मैम ऐसा है कि हफ्ते में एक दिन, हमारा ऐसा है कि हफ्ते में एक दिन, क्लाइंट हर दिन वर्कआउट करके यू नो स्ट्रेसफुल हो जाता है, बॉडी में सोरनेस आ जाती है और दर्द देने लगती है बॉडी, तो हमने सैटरडे अर्ली इन द मॉर्निंग हम सारे क्लाइंट्स को जमा करके यहाँ पर उनको प्राणायाम, योगा, ये सारी चीज़ें करवाते हैं, और मेडिटेशन खासकर हमारा जो है मेन, क्लाइंटों को इसलिए पसंद है कि हम लोग मेडिटेशन बहुत अच्छा करवा के देते हैं ताकि उनका माइंड रिलैक्स हो जाए। बस शहर के नामचीन लोग जो है आपके प्रणाल फिटनेस क्लब में आते हैं, क्या बताना चाहोगे, इसका राज क्या है, क्या बताना? भगवान की कृपा है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और
जिस तरह से वर्कआउट हमने देखा, नीचे जो बैनर्स लगे हैं, जो स्टैंडी लगे हैं, उस पर हमने देखा कि डॉक्टर ममतानी हो या उनका भी हमने देखा पोस्टर लगा था आफ्टर बिफोर वाला, तो क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों के माध्यम से, मतलब चैनल के माध्यम से दर्शकों को एक संदेश क्या देना चाहोगे फिटनेस के तौर पर? किस चीज़ को लेकर आप पूछ रहे हैं मिस्टर? जैसे डाइट हो, फिटनेस हो, और जिस तरह से नामचीन लोग यहाँ आकर अपना वेट लॉस कर रहे हैं या अपनी बॉडी टोन कर रहे हैं, जो भी ये सारी चीज़ें यहाँ होती है, भरोसा जो जितने भी माननीय मेरे जितने भी क्लाइंट्स लोग हैं, जो मेरे जितने भी जिम के मेम्बर्स हैं, उनका भरोसा है जो उनको यहाँ तक लाता है, तो भरोसे के चलते आते हैं, उनको बिलीव है कि नहीं सर के पास जा रहे हैं तो बिल्कुल करके ही आएंगे, उनका फेथ है वो, और उनका मतलब उस भरोसे के ऊपर हम हमेशा, आई मीन मैं मेरी टीम खड़ी उतरती हर बार, हम लोग छोड़ते नहीं हैं, करवा के लेते हैं। तो हमने देखा कि प्रणाल्स फिटनेस क्लब में जो है शहर के नामचीन लोग भी यहाँ आते हैं वेट लॉस हो, बॉडी टोन के लिए हो, और हमने देखा कि यहाँ जो है जिस तरह की सुविधा दी जाती है, ट्रेनिंग हो, यहाँ का वर्कआउट हो, हमने सब यहाँ देखा और जाना कि किस तरह से जो है यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, और जो है नेचुरल सप्लीमेंट के थ्रू डाइट ये यहाँ फॉलो किया जाता है, ना कि अदर सप्लीमेंट दिया जाता है, और इसी पर खड़े उतरते हुए जो है रिजल्ट जो है प्रणाल्स फिटनेस क्लब की ओर से दिया जा रहा है, और उसी भरोसे के तौर पर जो है प्रणाल्स फिटनेस क्लब का नाम जो है पूरे शहर में प्रसिद्ध है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।